हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल गणवीर और आज हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीबीटी टू टेक्नीशियन और इसरो के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सीबीटी टू टेक्नीशियन इसरो पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियरों के स्टील रूल की पाठक यथार्थता खालिस्तान होती है, तो यह होती है सी आंसर है इसका 0.5 mm। सेकंड क्वेश्चन है, साधारण वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक खालिस्तान होता है, तो यह इसका आंसर है डी 0.02 mm होता है। तीसरा क्वेश्चन है फिर, बड़े व्यास के बहु छिद्र प्रवेश ड्रिलिंग के लिए एक प्रवेश दर मशीन का चुनाव करें, तो इसका आंसर है डी त्रिज्या प्रवेश दर मशीन। फोर्थ क्वेश्चन है, लोहे अयस्क के प्रगलन से खालिस्तान की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी कच्चा लोहा पिग आयरन। ओके फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, मृदुला प्राप्त करने मशीन योग्यता में उन्नता प्राप्त करने तन्यता बढ़ाने आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु आमाप का परिष्ठान करने के लिए उपयुक्त इस्पात में उष्मा उपचार को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे एनीलिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर आंसर है इसका ए एनीलिंग। छठवां क्वेश्चन है, इंजीनियर के वॉइस का आमाप खालिस्तान द्वारा विनिर्दिष्ट है अनुज, इसका आंसर बी है अनुजा की चौड़ाई। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी अनुजा की चौड़ाई। सेवन नंबर क्वेश्चन है, स्क्राइबर से निर्मित है, तो स्क्राइबर से निर्मित है सी उच्च कार्बन इस्पात। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट है, प्रष्टीय प्रमाणी खालिस्तान है, तो ये मार्किंग टूल है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन मार्किंग टूल। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मृत इस्पात का विशिष्ट घनत्व खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी 7.8। ओके फ्रेंड्स, 7.8 है। क्वेश्चन नंबर टेन है, कास्ट रबड़ चमड़ा आदि के रेतना के लिए उपयुक्त फाइल खालिस्तान है, तो इसका है आंसर नंबर सी रेस्प कट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक पीच को M12 × 1.25 में अभिकृत किया गया है तो 1.25 खालिस्तान अभिकृत करता है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी पेज का पेज। ओके फ्रेंड्स, पेज का पेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटिंग पार्ट के बीच में अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है, तो इसका आंसर बी है फिलर प्रमाणी। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसर्जन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी रेमिंग। फ्रेंड्स, रेमिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉल पिन हैमर का उपयोग साधारणतः खालिस्तान के लिए किया जाता है, इसका रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स बॉल पिन हैमर का, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रवेदित छिद्र के अंत भाग में प्रवणन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी काउंटर सिंकिंग। ओके फ्रेंड्स, काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रवेदन छिद्र के अर्ग पर बोल्ट हेड के लिए स्पार्क शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया खालिस्तान है, तो इसका आंसर है डी स्पार्क फिशिंग। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही औजार से प्रवेदन एवं काउंटर सिंकिंग से संयुक्त प्रवालन को खालिस्तान कहते हैं, केंद्र प्रवेदन आंसर नंबर वन। ओके फ्रेंड्स, ए है आंसर नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गैस वेल्डिंग नोजल खालिस्तान से बने होते हैं, तो ये आंसर नंबर डी है, पीतल के बने होते हैं गैस वेल्डिंग नोजल। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोधु इस्पात का गलनांक खालिस्तान होता है, तो इसका गलनांक होता है 1500 सेल्सियस, आंसर ए। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेड बेल सामान्यतः बने होते हैं, या ढलवा लोहा कास्ट आयरन के बने होते हैं लेड बेल सामान्यतः। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह लेद केंद्र है जो खालिस्तान में स्थित है, वह है आंसर नंबर बी, पूछ स्टॉक। ओके फ्रेंड, पूछ स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों में निम्न में लिखित ग्रेडों की संयुक्ति की जाती है, तो इसका बी है आंसर। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से साक्ष्य अंक करने के लिए उपयुक्त पंच का चयन करते हैं, तो प्रिक पंच है आंसर नंबर बी, 30 अंश प्रिक पंच। ओके फ्रेंड, 30 अंश। क्वेश्चन नंबर है 25, क्रिय कटाव छेनी का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, इसका आंसर है डी, मूल वेव का कर्तन। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, तनु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच खालिस्तान है, तो इसका आंसर नंबर बी है, 0.8 mm। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 27, खालिस्तान के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक अंकित आंसर जी किया जाता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, भारी धुआ। ओके फ्रेंड्स, भारी धुरा। क्वेश्चन नंबर है 28, एक ट्रिप खालिस्तान के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु इसका उपयोग करते हैं, ड्रिप का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोनों के यथार्थ माप के लिए उपयुक्त यंत्र प्रयोग करते हैं, कौन सा करते हैं, आंसर नंबर बी है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके फ्रेंड्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर है 30, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बीट में सामान्य हेलिकल कोण खालिस्तान है, तो ये आंसर नंबर डी है, 27.5। ओके फ्रेंड्स, 27.5। और अगला क्वेश्चन है, वी ब्लॉक में शामिल कौन खालिस्तान होता है, तो वी ब्लॉक में आंसर नंबर 1, 90 डिग्री का कौन होता है, 90 अंश का कौन होता है। क्वेश्चन नंबर है 32, आकार के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी, सही सुनता। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 33, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर नंबर ए है, 25। ओके फ्रेंड, 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र एच के लिए न्यूनतम विचलन खालिस्तान होता है, तो आंसर नंबर ए है, 0 mm का होता है। ओके फ्रेंड, 0 mm का होता है। 35 क्वेश्चन है, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त प्रयुक्त पदार्थ खालिस्तान है, तो इसका आंसर नंबर बी, 450 सेल्सियस से ऊपर गलनांक से संयुक्त लोह मिश्र धातु। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 36, एक लेथ सेंटर की शंकु बिंदु खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर नंबर बी है, 60 अंश की होती है। ओके फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, शंकु बर्तन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेद सेंटर क्या है, तो आंसर नंबर सी है, बाल सेंटर। ओके फ्रेंड्स, बाल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 38, लेद के बाह्य वी पेज उत्पन्न कराने हेतु प्रयुक्त बिंदु
कर्द औजार खालिस्तान है। आंसर नंबर इसका है, आंसर है बी, चेचर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, छोटे शंकु कोन का उपयोग कर बड़े शंकु का बर्तन करने के लिए प्रयुक्त शंकु बर्तन की विधि खालिस्तान है। तो इसका आंसर नंबर ए है, पुच्छिष्टा के ऑफसेटिंग। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उछाव के गृह का उद्देश्य खालिस्तान है। इसका आंसर नंबर सी है, पिसने के लिए बनाना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।